नमस्कार, बीबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। खबर एनसीआर के साथ मैं हूं नरेंद्र वाड़ी। लंबे समय से फैजाबाद सेक्टर 8 के सूरदास पार्क की जर्जर हालत को सुधारने की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सूरदास पार्क पहुंचे और पार्क का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ सेक्टर 8 के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने 125 करोड़ की लागत से पार्क के नवीनीकरण का शुभारम्भ किया। दिखाई दे रहा यह नज़ारा फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित सूरदास पार्क का है। इसकी हालत लंबे समय से बद से बदतर हालत में पड़ी हुई थी। लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग थी कि इस पार्क की हालत को सुधारा जाए। इसी मांग को लेकर जब स्थानीय लोगों ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल तक अपनी गुहार लगाई तो कैबिनेट मंत्री खुद सूरदास पार्क जा पहुँचे और वहाँ के हालत को देखते हुए घोषणा कर दी कि 125 करोड़ की लागत से इस पार्क का जीर्णोद्धार किया जाएगा और शुभारम्भ भी कर दिया गया। मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि 125 करोड़ की लागत से इस सूरदास पार्क का नवीनीकरण किया जाएगा और इस पार्क में ओपन जिम, झूले, पेड़ पौधे आदि सुविधाएं देकर इसे वर्ल्ड क्लास पार्क बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहां लोगों ने उनसे कुछ शिकायतें भी की हैं, जिसके जवाब में उन्होंने लोगों से कहा कि जहाँ विकास होता है वहाँ कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन इन सभी दिक्कतों के चलते विकास रुकेगा नहीं। कुछ पार्षदों की फाइलें नगर निगम की फाइनेंस कमेटी में रुकने के मामले पर उन्होंने कहा कि वे इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। राजा सेक्टर सूरदास पार्क का सूरदास समारक का 125 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार करने का काम, पार्क को डेवलप करने का काम पहली फेज में 125 करोड़ रुपए आगे से एनहांस किया जाएगा। इस पार्क को एक मॉडल पार्क बनाया जाएगा कि 8-7 सेक्टर के लोग इसे देखने आए, शाम को बच्चों के साथ घूमने आए कि किस तरीके से कितना सुंदर पार्क। सर, क्या क्या पार्क में डेवलपमेंट की? पार्क के अंदर मैं कह रहा हूँ फुटबॉल, झूले, ओपन जिम, उसके अलावा जगह जगह पत्थर से उसकी चांदी वाली बहुत सारी डेवलपमेंट का काम होगा। आप देखिए सारा जो समस्याएं थी वो निरंतर, देखिए कोई भी डेवलपमेंट का जब कार्य चलता है निरंतर समस्याएं चलती रहती है। काम बहुत सारे हो भी गए हैं, बहुत आगे होने भी हैं। ये डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया, लोगों से संवाद नहीं करेंगे तो पता किस तरीके से लगेगा। तो एक अच्छा सजेशन लोगों का मिला, उसको आगे करने की भी आरोप लगाया, फाइलें अटकने की पार्षदों की। देखिए वो पार्षद ने कहा कि फाइनेंस कमेटी के अंदर जो है फाइलें अटक जाती हैं, तो उसका भी देखेंगे, चेक कराएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि किस तरीके से फाइल।